बुरे दिन है तो यह चीजें करो, कभी हार नहीं मिलेगी। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कहता है कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि उसमें सक्सेस नहीं मिलता, हार होती रहती है, जहाँ भी हाथ लगाओ वहाँ हार मिल जाती है। फिर ऐसा लगता है कि क्या मैं हाथ लगाऊँ तो मिट्टी हाथ में आती है, कुछ लोगों को तो सोना आता है। तो ऐसे समय फिर हमको करना क्या चाहिए? मूड बहुत डाउन हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, लो एनर्जी रहती है, तो इस समय करना क्या है? तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ मैं। हरदम कभी भी ये ख्याल में रखो कि मैं हरा हुआ इंसान नहीं हूँ, मेरी हार वो बात में हुई है, तो कभी भी हार मानने का नहीं। मैं हरा हुआ इंसान नहीं हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें हार गया हूँ, ये दोनों डिफरेंट है। मैं हरा हुआ इंसान हूँ मतलब मैं गया बीता हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझे कुछ सफलता मिल नहीं रही है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे हार मिल रही है, ये एक बात है। और दूसरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी हार हुई है, और वो एक बार हुई है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बार बार होने वाली है। तो इसमें ये देखना है कि कभी भी हार मानने का नहीं। नंबर दो, खुद के ऊपर विश्वास रखो। क्या होता है कि आदमी ने यदि खुद का विश्वास तोड़ दिया ना, खुद के ऊपर का विश्वास चले गया ना, तो फिर बड़ी मुश्किल है। फिर आपके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करेगा और आप कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। मैंने कुछ लाइनें पढ़ी है, वो आपको सुनाता हूँ। इफ द वन विद इन यू बिलीव्स यू, इफ द वन विद इन यू बिलीव्स यू, इवन इफ नोबडी बिलीव्स यू, इवन इफ नोबडी बिलीव्स यू, देन नो वन ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ कैन डिफीट यू। मतलब आपने आपके ऊपर का विश्वास यदि आपका है, फिर बाकी किसी का विश्वास नहीं होगा, मगर आपका विश्वास है तो ये दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास कर रहे हो। तो यह बहुत जरूरी है कि खुद के ऊपर विश्वास करो। फिर नेक्स्ट तीसरा है कि अपने काम के प्रति और अपने प्रति वचनबद्ध रहो, कमिटेड रहो, पूरा कमिटमेंट है आपका, वचनबद्ध है कि आपने वचन दिया हुआ है और आप वचन का पालन कर रहे हैं। जो मैंने बोला है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं। एक वो है कि मैं वचन का पालन कर रहा हूं, जो वचन दिया मैं बोला वो किया है, और दूसरा मैं काम के प्रति कमिटेड हूं, इतना कमिटेड हूं कि मुझे बाकी कुछ भी चलता ही नहीं है, बाकी इधर उधर मैं मेरा दिल भटकाऊंगा नहीं, इधर उधर मैं फोकस नहीं करूंगा, आई एम फुल्ली कमिटेड। और जब तक मुझे उतना सक्सेस नहीं मिलता तब तक मैं वहां से जाऊंगा नहीं, निकलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो इतना कमिटमेंट है आपका कि आपको दूसरा कुछ सोचता भी नहीं है, तो काम के प्रति आपका कमिटमेंट है। इसके साथ साथ ये आता है कि नेक्स्ट चौथा है वो है ऑनेस्टी, प्रामाणिकता से काम करो। कि प्रामाणिकता से काम करेंगे तो भले ही आपको सफलता लंबे समय के बाद मिलेंगी, मगर वो टिकने वाली सफलता रहेगी, क्योंकि आप किसको फंसा के चीट करके भले ही सफलता तुरंत हासिल करते हो, मगर वो टिकने वाली सफलता नहीं रहती है। मैं तो बोलता हूँ कि स्टेशन का चाय जो है वो चाय अच्छा नहीं मिलता है, और उनको कोई पड़ी भी नहीं है चाय वाले को कि चाय आपको अच्छा देवे, तो अपने को स्टेशन का चाय नहीं बनने का है कि एक कोई आधा कस्टमर आता है, वो कस्टमर रिपीट होने वाला कस्टमर नहीं है, वो चाय वाले का वो कस्टमर रिपीट ही नहीं होता। तो कभी भी किसको आप चीट करेंगे तो वो आपको चाय वाला नहीं बनना है रेलवे स्टेशन का, क्योंकि आपके पास में लोग उन्हें बार बार आना चाहिए। तो ऑनेस्टी से काम करो। नेक्स्ट, ऑनेस्टी और क्वालिटी दोनों भी आ गए इसमें। फिर नेक्स्ट ये है कि बड़े सपने देखो, आपके पास में बड़े गोल्स है, बड़े सपने हैं, और आप पहले सोचो तो सही, बड़ा सपना देखना है उसके पहले क्या बड़ा सोचो तो सही, और बड़ा सोच के बड़े सपने देखो, उसका प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, और उसके प्रति यदि आप वचनबद्ध हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, हार मानने का कारण ही नहीं है। यदि आपकी हार हो रही है ठीक है, हरकत नहीं, उसको प्रतीत हो जाओ, ठीक है भाई ऐसा ऐसी हार है, उसको एक्नॉलेज करो, चलो ये सफलता नहीं मिली, चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी ये सपना देखूंगा और ये पूरा करूंगा। लोग बड़ा सपना देखने को भी डरते हैं, बोले कैसा क्या होगा, मतलब आप सपना तो देखो बड़ा, बाद में कैसा होगा वो बात की बात है, बड़ा सपना देखो, आपको बड़ा सपना साकार नहीं होगा, चलो कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा। तो बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये करते हैं तो आपको
कोई भी कुछ भी मतलब आपको बुरा दिन होगा तो उसमें आपको ये काम में आएगा कि ठीक है जो नुकसान हुआ है जो भी हो उसको एक्नॉलेज करना है, फिर से अपना बड़ा सपना देखना है, बड़ा गोल देखना है और काम करने का है। नंबर छः, अपना जो है ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, मतलब नम्रता से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। अपने सक्सेस में जब अहंकार चढ़ जाता है, जब सक्सेस मिलता है अहंकार चढ़ जाता है तो आदमी जल्दी नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। अहंकार ऊपर गए, अहंकार हो गया, आदमी नीचे गिर गया। तो कभी भी आपने ये देखना है कि अहंकार नहीं आना चाहिए, नम्रता से लोगों से व्यवहार करो, और जो जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए वो लोगों का हरदम आभार प्रदर्शन करो, आभार मानो, कृतज्ञ रहो उनके लिए। कृतघ्न होने का कोई कारण नहीं है, तो कृतज्ञता से उनसे बात करो, कृतज्ञ हो जाओ, उनको ग्रेटिट्यूड, उनके आभार मानो, धन्यवाद दो, और एक आपके जरिए आप है तो मैं हूँ इस तरह से आपका व्यवहार है, नम्रता से व्यवहार है तो हरदम आप आगे जाएंगे। तो बुरे भी दिन है तभी भी आप लोगों से अच्छे संबंध रखो और देखो फिर आपकी हार हार नहीं रहेगी, आप हरदम जीतते जाओगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।